पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में संपत्ति को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला। यहां जमीन के विवाद में एक भांजे ने अपने ही मामा को मौत के घाट उतार दिया। हत्या को अंजाम देकर पहले वो मौके से फरार हो गया, हालांकि बाद में वो खुद थाने पर पहुंचा और सरेंडर कर दिया। मामा कोतवाली थाना क्षेत्र के ठटेरा मोहल्ले में भांजे ने संपत्ति को लेकर मामा की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपित भांजा मौके से फरार हो गया था। पुलिस आरोपित की तलाश में दबिश दे रही थी। आज पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे चाकू भी बरामद किया। मृतक का नाम शब्बीर है ना? जी सर। सर, थाना कोतवाली इलाके में एक बुजुर्ग की चाकू से हत्या की गई है, कि कौन आरोपी है और किस तरह की कार्रवाई? ये कल थाना कोतवाली क्षेत्र में मंडी चौक चौकी क्षेत्र में एक शब्बीर अहमद नाम के व्यक्ति जो ठठेरा मोहल्ला के रहने वाले थे, उनको किसी व्यक्ति ने उनके ऊपर चाकू से प्रहार किया था और हॉस्पिटल उनको ले जाया गया था, जहाँ उनकी डेथ हो गई थी। इस संबंध में उनके जो पुत्र हैं सावेज, उनकी ओर से एक अभियुक्त पंजीकृत कराया गया था और इसमें तत्परता से पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है और जो अभियुक्त था इसमें सलमान उर्फ शानू, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसने उससे जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि ये शब्बीर और इसका मकान वहाँ आसपास ही है और वहाँ पर इनका निकलने का रास्ता एक ही है और इसके पास जगह कम थी और इसकी क्योंकि आर्थिक स्थिति थोड़ी कमज़ोर है तो इसने शब्बीर से कहा था कि मुझे कुछ जगह और दे दो, जिसको शब्बीर ने मना कर दिया और इसने गुस्से में आके उसके ऊपर चाकुओं से प्रहार किया जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसको गिरफ्तार किया गया है और जिस चाकू से जो घटना की गई थी वो आलाकत बरामद किया गया है। इस प्रकार इसको अभी जेल भेजा जा रहा है। तो कोई आपराधिक इतिहास? अभी जानकारी की जा रही है और इसका पूर्व से 2016 में एक इसका आर्म्स एक्ट में ये थाना गल शहीद से जेल गया है ये और इसके अतिरिक्त और कोई अन्य इतिहास है इसकी जानकारी दी जा रही है। संपत्ति का विवाद है सर, जिसकी संपत्ति का विवाद नहीं है, जैसा बताया इन्होंने कि इनका आसपास मकान है एक ही जगह पर और ये क्योंकि इसके पास जगह कम थी तो इसकी उम्मीद थी उनसे कि वो इसे कुछ और जगह दे देंगे जो उन्होंने नहीं दी और इसी पर इसके गुस्से में आके इसके एक ही पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।